बहुत आभार समय निकालो इस भोजन का गोष्ठी में आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। भोजन का गोष्ठी का उद्देश्य भोजन समाज को कुछ संदेश दिया जाए। हमारे भोजन मसीहा मैनर कंसीराम साहब, उन्होंने कहा कि आपका जो खोया हुआ सम्मान है वो आपके ओट से ही वापस मिल सकता है। ये तो उन्होंने बताया कि अगर हम सम्मान से जीना चाहते हैं तो वो शक्ति आपके ओट में है, लेकिन यही बहुजन समाज उस ओट की कीमत, जिसकी ताकत देने के लिए बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी, ऐसे महापुरुषों के योगदान को, ऐसे उनकी कुर्बानियों को ये समाज आज तक नहीं समझ पाया। और ये यही कौन शासक था, अशोषित के रूप में समाज में बहुतायत दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो संदेश का हमने पालन नहीं किया, उन्होंने कहा क्या था और हम समझ नहीं पाए। मैं इन्हीं से चार पंक्तियां मैं निकाल कर आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बात आपके समझ में आ जाए, दिल को मन को छू जाए, तो आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइएगा। कहना है, न बेचो ओट को अपने, ये बेटी के बराबर है। न बेचो ओट को अपने, ये बेटी के बराबर है। उनका राजशाही भोग मेरे रोटी के बराबर है। यानी उनका जो राजशाही भोग है वो हम लोगों के सूखी रोटी के बराबर है। ये लिखा हुआ है कि न बेचो ओट को अपने, ये बेटी के बराबर है। उनका राजशाही भोग मेरे रोटी के बराबर है। जो भी है जैसा भी है अपना आसियाना ये, अपना भोजन संभाल। जो भी है जैसा भी है अपना आसियाना ये, हमारी झोपड़ी भी ये कोठी के बराबर है। हमारी झोपड़ी भी ये कोठी के बराबर है। हमारी झोपड़ी भी ये कोठी के बराबर है। और इस समाज को जगाने के लिए जो लोग आगे आते हैं, गलत का जो लोग अवरोध बन जाते हैं, जैसे कोई गलत काम हो जो रोकने का काम करते हैं, उसी का विरोध होता है, उसी के साथ घटनाएं घटती हैं, उसी को मारा जाता है, उसी को सताया जाता है, उसी को साजिश में फंसाया जाता है। एक फार्मूला मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक फार्मूला, के थ्री फार्मूला इस बहुजन समाज के लिए, के थ्री फार्मूला। जब तक ये बहुजन समाज उन मनवादियों के तलवे चाटेगा, तब तक पहले केसी को किस करेंगे, क्या करेंगे, किस करेंगे, आपको चूमेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको मोहब्बत करेंगे। यही बहुजन समाज जब उन मनवादियों की बातों का हल्का फुल्का विरोध शुरू कर देगा, यानी बात बात का टकराव शुरू होगा, तो क्या करेंगे, वो किक करेंगे, आपको झटका देंगे, आपको मारने का काम करेंगे। और अगर खुलकर आप विरोध करते हैं तो इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं। बताइए, यही व्यक्ति था, यही आदमी था जो मेरे तलवे चाटता था, मुझसे बातें लड़ा रहा, मेरे सामने संघर्ष करने के तैयार है, फिर उसको साजिश के तहत फंसा कर उसको किल करने का काम करेंगे, मारने का काम करेंगे। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए हमने कुछ पंक्तियां इकट्ठा की है, जो मैं चार पंक्तियां आप लोगों को निवेदित करूंगा। अगर ये आपको लगे कि हाँ वास्तव में इस समाज को देखने को, समाज में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइएगा, इस संदेश को दूर तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। मैं आपका सबसे आभारी बनूंगा। कहना है, मिलाओ हाँ मैं हाँ, अगर तुम बहुत वो प्यार देते हैं, अगर उनकी बातों में हाँ मैं हाँ मिलाओ तो बहुत मदद करेंगे। मिलाओ हाँ में हाँ अगर तुम बहुत वो प्यार देते हैं, लाओ बात घर उनसे
तो सजा उपहार देते हैं, लड़ाओ बात कर उनसे, सजा उपहार देते हैं बातों पे अगर उनकी बगावत पर उतर आओ, बातों पे अगर उनकी बगावत पे उतर आओ, साजिश में फंसा करके तुम्हें वो मार देते हैं, साजिश में फंसा करके तुम्हें वो मार देते, साजिश में फंसा करके तुम्हें वो मार देते हैं। जय।